श्रावण में हम बिल्कुल शाकाहार अपनाते हैं, तो हम सही कर रहे हैं? तो मैंने कहा आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सावन में शाकाहारी हो जाएंगे तो आप और बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि आप वैसे ही महापापी हो और आप भगवान को बेवकूफ बनाने के चक्कर में हो, जबकि वो बेवकूफ बनता नहीं है। भाई तुम राक्षस हो, तुम राक्षस ही रहो, तुम्हें महादेव के गणदेव बनने का क्या मैटर है तुम्हारे लिए? और इस बात को मैं इसलिए इतनी गहराई से कहना चाहता हूं कि लोग सोच रहे हैं भगवान को बेवकूफ बना देंगे, और ये अपने आप में बड़ी घटना है कि लोग ईश्वर को बेवकूफ बनाने में लग पड़े। एक और प्रश्न मेरे पास आया, एक माताजी ने प्रश्न किया है कि मेरे घर में मैं तो शाकाहार अपनाती हूं, लेकिन मेरे जो परिवारजन हैं, जो पुरुष हैं, वो मांसाहारी हैं और मुझे उन्हें बनाकर देना होता है, तो क्या मुझे पाप लगेगा? तो अगर मैं शास्त्र के हिसाब से कहूं तो खाने वालों से ज्यादा लगेगा, उन्हें मिलेंगे 10 नरक, तुम्हें मिलेंगे 10,000 नरक, क्योंकि तुम उनके पाप में सहयोग कर रहे हो। अगर आपने शास्त्रों का दर्शन देखा है, जो पाप में सहयोग करता है वो ज्यादा पापी है। ऐसा व्यक्ति अरबों खरबों जन्म भी पूजाएं करता रहे, अर्चनाएं करता रहे, तो उसके पाप नहीं मिटने धुलने, उसका कुछ भी नहीं होना। वो निरंतर निरंतर गर्त की ओर जाएगा, क्योंकि आप विरोध ही नहीं कर रहे। और इस बात को समझना, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। इस स्थिति को समझें। तो मैंने उनसे कहा आपको उनसे भी ज्यादा पाप लगने वाला है, क्योंकि जो पाप में सहयोगी होता है वो दो पाप करता है, एक उस पाप को देख रहा है, एक उसमें सहयोग कर रहा है। और शायद उस व्यक्ति जो वो कार्य कर रहा है, जो उसको भक्षण कर रहा है, वो उस छोटे से समय का भक्षण में उस चीज का भक्षण कर रहा है, लेकिन तुम जो उसको तैयार करने में समय लगा रहे हो और सारे कर रहे हो, उतने गुना तुम्हारे पाप तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ के तुम्हें मिलने वाले हैं। उन्हें तो मिलेंगे। मांस दो शब्दों से मिलकर बना है। मां का मतलब होता है आज तुम मुझे खा रहे हो, और स का मतलब है कल मैं तुम्हें खाऊंगा। इति मांस, इति मांस। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने आप को इंसान कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, जबकि हम है नहीं। अगर ये कृत्य कर रहे हैं, लेकिन बात है समझने की। कई लोग अपने आचरण नहीं बदल रहे हैं, अपने खान पान नहीं बदल रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा रुद्राभिषेक कर ले, हमारे को पुण्य मिलेगा। ना मिलेगा, और पाप मिलेगा। मत करो, बिल्कुल मत करो, तुम और नरक में जाओगे। और वो नरक कहीं बाहर नहीं है, वो यहीं है। इस शरीर का मामला यहीं निपटेगा, ये शरीर यहीं भोगेगा, यहीं सड़ेगा, यहीं घिस घिस के चलेगा, बाहर कुछ भी नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर की यात्रा है, वो बाद की चीजें हैं, लेकिन बाकी मामला तो यहीं निपटने वाला है। इसलिए इस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि, बाबा मोहे कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते जो निर्मल मन है, जो सरल है, सहज है, जिसके अंदर जीवों के प्रति दया है,
वो मुझे प्राप्त कर सकता है, वो मुझे पसंद है, बाकी मैं किसी को पसंद नहीं करता। तो वे लोग अपने आप को समझ लें कि उनकी गिनती कहां पर है, उनके जीवन के कल्याण तो कभी भी नहीं होने वाले, बाकी उनकी अपनी जैसा वो चाहे वैसा करे, वो एक अलग अलग विषय, अलग दर्शन। क्योंकि ये सिर्फ श्रावण का मामला नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि रुद्राक्ष पहनने के नियम क्या है। तो रुद्राक्ष पहनने के नियम में भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं देवी पार्वती से कि जो रुद्राक्ष धारण करेगा, पहली बात तो उस नियम से करेगा जो नियम मैंने बताए हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि वो लहसुन प्याज आदि का भोग नहीं कर सकता। अब आप विचार कीजिए, आप सोचिए, और हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत महंगा वाला रुद्राक्ष पहन लिया, बहुत सस्ता वाला रूप पहन लिया, और भगवान जी को स्पर्श करा के पहन लिया, और बाबा जी के हाथों से पहन लिया, क्या होगा इससे? बाबा जी को मरना है जो तुम्हारे पापों के लिए, भगवान से कहेंगे यह बख्श दो, भगवान क्यों कहेगा? वो खुद अपने ऊपर बला क्यों लेगा? जैसा तुम कर रहे हो तुम भरो, तुम सड़ो, वो बेचारा क्यों अपने ऊपर आफत मोल लेगा? तुम्हें तो सड़ना है तो तुम सड़ो। ये बड़ा सैद्धांतिक दर्शन है जो मैं आपसे कह रहा हूं।